श्री गुरुवे नमः, ओम त्रिपुर सुंदरिये नमः। हम तंत्र की बात कर रहे थे। तंत्र में अब तक हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान चुके हैं, पर मैं सभी कुछ आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। अब हम आज बात करेंगे तंत्र में साधना कैसे करें। प्राचीन काल में तंत्र का जो भी सम्मानित स्थान भारत में रहा हो, पर 17वीं शताब्दी के बाद से इसका महत्व बराबर घटता गया और लोगों की निगाहों में गिरता गया। इसे ढोंग, आडंबर, लोगों को मूर्ख बनाने वाली विद्या के रूप में कुख्यात मतलब इसको जो है ख्याति मिली, इस तरह से कि लोगों को इसे मूर्ख बनाया जाता है। 18वीं शताब्दी के अंत तक लोगों की घृणा का विषय बन गया। अंग्रेजी सभ्यता से पीड़ित 19वीं शताब्दी के लगभग 50 वर्षों तक तो तंत्र मंत्र को अत्यंत हीन और ढोंग माना गया। लोग इस ओर शिक्षा पाने के बाद ध्यान नहीं देते थे। इसका एकमात्र कारण था कि वास्तव में जब तंत्र में अनाधिकृत और अनकृष्ट आचरण वाले व्यक्ति प्रवेश कर गए थे, इनमें ऐसे लोगों के अधिक होने के कारण तंत्र अंधविश्वास और अश्रद्धा का केंद्र बन गया। वैसे तंत्र साहित्य और तंत्र का जन्म भारत में सबसे प्राचीन है। इसके उद्गाता स्वयं भगवान शंकर माने गए हैं। अनाड़ियों के अकुशल हाथों में पड़कर यह कुख्यात हो गया। इसका वास्तविक स्वरूप लोप हो गया। कालांतर में जब पश्चिम में कुछ अनुसंधान धमनियों और अंतर्मन की शक्तियों पर हुए, तो पश्चिम के लोगों का ध्यान इस तंत्र विद्या की ओर भी गया और तब यंत्र मंत्र तंत्र के अनेक विधान और उनकी क्रियाओं को विज्ञान सम्मत माना गया। अनेक चमत्कारिक और रहस्यमय शक्तियों का अस्तित्व स्वीकार किया गया। माँ आनंदमयी, महापाध्याय गोपीनाथ कविराज, महर्षि अरविंद ने इसे प्रमाणित किया। अवधूत राम ने ओघड़ संत बाबा कीनाराम की विद्या को आगे बढ़ाया। इस प्रकार विज्ञान की सहमति के आधार पर तंत्र को शिक्षित वर्ग द्वारा मान्यता मिलने लगी, पर फिर भी इस विद्या के साथ खिलवाड़ करने वालों की संख्या अधिक रही है। इसी कारण ये तंत्र आज भी सम्मानित स्थान प्राप्त नहीं कर सका है। हाँ, इतना परिवर्तन अवश्य आया है कि लोग इस विद्या का महत्व स्वीकार करने लगे हैं और यह धारणा बन गई है कि यह विद्या है, पर इसकी सही साधना और ठीक उपयोग करने वाले हैं कितने। अधिकांश लोगों ने कुछ अधकचरा ज्ञान प्राप्त कर इसे व्यवसाय का रूप दे रखा है। आडंबर, डींगे हाँकना उनका मुख्य साधन है। विज्ञापनबाजी कर झूठे तर्क से और प्रमाण पत्र प्राप्त कर अनेक प्रकार की उपाधियां धारण कर लेते हैं। फिर तंत्र के नाम पर इनके चारित्रिक पतन की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उनसे भी तंत्र को बेहद हानि पहुंची है। तांत्रिकों की प्रतिष्ठा गिरी है। और भी ऐसे अनेक कारण हैं जिनसे तंत्र विद्या उपेक्षा और घृणा का शिकार बनी है, पर इनमें तंत्र विद्या का भला क्या दोष है। अनाड़ी उसका प्रयोग करे, अधकचरा ज्ञान प्राप्त कर अपने पांडित्य का प्रदर्शन करे, धन कमाने का साधन बनाए और अपनी हवस मिटाए, तो इसमें दोष किसका है। विद्या कभी भी दोषी नहीं होती, उसका प्रयोग करने वाला दोषी होता है। तंत्र एक विद्या है, एक ज्ञान है, एक उपलब्धि है। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि यह विज्ञान मस्तिष्क का है। विचार अतरंगों और मन की उस एकाग्रता का है जिसे बड़े बड़े तपस्वी भी नियंत्रण में नहीं रख सके। तंत्र का मूलाधार विचारों की साधना है, इस कारण यह अत्यंत दुरू साधना है। तपस्या कर एक बार भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, भगवान के दर्शन हो सकते हैं, पर संपूर्ण तंत्र का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। तंत्र साधना ईश्वर के लिए
की गई तपस्या से भी कठिन साधना है। इस कारण हर कोई इसे नहीं कर पाता है। इसका नगण्य सा अंश प्राप्त करके ही अनेक साधक संतुष्ट हो जाते हैं। इसी का वह कसकर दुरुपयोग करने लगते हैं। लेकिन यह बात भी नहीं है कि इस पर सफलता प्राप्त हो ही नहीं सकती। सिर्फ कठोर साधना का साहस होना चाहिए, वरना यह साधना आसान नहीं है। कुछ दिन किया और सिद्धि प्राप्त हो गई। वास्तव में तंत्र मन की अगाध शक्ति पर आधारित वैज्ञानिक क्रियाओं के समूह का विशाल नामकरण है। अब विज्ञान भी इस बात को स्वीकार कर रहा है, मन की शक्ति में बड़ी शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। मन की शक्ति के आगे परमाणु बम की शक्ति भी नगण्य है। इस तथ्य को भारत के अद्वितीय चिंतक मनीषियों ने शताब्दियों पहले जान लिया था और इसी सिद्धांत पर तंत्र शास्त्र का आविर्भाव हुआ। इसी शक्ति के अनेक प्रकार के प्रयोग, जो अलौकिक, अविश्वसनीय और चमत्कारिक रहस्य में कहे गए हैं, उनका संकलन कर तंत्र शास्त्र का नामकरण हुआ। वही इस विषय का मूलाधार है। मनुष्य अपने मन की शक्ति के द्वारा क्या नहीं कर सकता, सब कुछ संभव है। तंत्र में कुंडलिनी का विधान है, जो तंत्र की चरम शक्ति का प्रतिरूप मानी गई है। शीर्ष से लेकर गुप्त स्थान तक जाने वाली सुषुम्ना और ईड़ा नालियों की शक्तियों को विज्ञान मानता है। सर्पाकार पड़ी कुंडलिनी गुप्त रहती है, उसमें वैकुंभ की स्थिति रहती है। इसका जागरण कर लेने वाला साधक परम सिद्ध हो जाता है। पर क्या यह जागरण संभव है? संभव है। लाखों करोड़ों में से एक को इसकी साधना विकट है, और सब कुछ मन को नियंत्रण में रखने की शक्ति पर निर्भर करता है। हमारे महर्षियों ने प्रारंभ से ही मन की महत्ता पर प्रकाश डाला है और बार बार इस सत्य को स्वीकारा है कि मन को वश में कर पाना सबसे महान कार्य है। एक बार मनुष्य संभवतः प्रयत्न करके हिमालय को अपनी हथेली पर उठा सकता है, पर मन पर नियंत्रण करना इससे भी कठिन कार्य है। मन डोल ही जाता है। न केवल विश्वामित्र का मन डोला था, वरन भगवान शंकर का भी मन डोल गया था। फलस्वरूप अपना तीसरा नेत्र खोलना पड़ा था। मन की यही असीम शक्ति जब मनुष्य अपने नियंत्रण में कर लेता है, तो वह सब प्रकार की साधनाएं कर सकता है और प्रत्येक सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। संपूर्ण तंत्र शास्त्र की क्रियाएं, साधनाएं और सिद्धियां इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। इस कारण इनको सफल कर पाना कठिन है। इस कारण भी तंत्र को लोग बकवास मानते हैं। तंत्र शास्त्र में वर्णित क्रियाएं और साधनाएं करने के अनेकानेक साधक प्रयत्न करते हैं, पर सब कुछ अधूरा अधूरा रह जाता है। पूरी नहीं कर पाते या पूरी करने का अज्ञानवश त्रुटियां रह जाने पर अभिष्ट फल ही नहीं मिलता, जबकि भ्रमवश वह यह समझ बैठते हैं कि उन्होंने सब कुछ ठीक ठीक किया है, तो वह तांत्रिक विधियों को, तंत्र साधना को ही कोसने लगते हैं कि सब बकवास है, मूर्खता है, अंधविश्वास है, ढोंग है, कहने लगते हैं। इस प्रकार तंत्र और तंत्र साधना निदित है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। प्राचीन काल की जीव पद्धति में जब तंत्र का विश्वास किया जाता था, तांत्रिक क्रियाएं लोग करते थे, उसमें सिद्धियां प्राप्त कर लेते थे। अलग किस्म का था। उस समय का जीवन अत्यंत सात्विक था और सीसी के समान निर्मल और गंगा जल जैसा पवित्र था। तब वातावरण भी इतना प्रदूषित नहीं था। उस समय इस बात की कोई भी इंच मात्र आवश्यकता न थी
कि यह साधक को बताया जाए कि तंत्र साधना कैसे की जाए। उस समय सब कुछ निर्मल था और प्रत्येक वस्तु अपने शुद्ध और मूल रूप में प्राप्त थी। इस कारण सभी प्रकार की तंत्र साधनाएं कर साधक इच्छित सिद्धियां प्राप्त कर लिया करते थे। 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक समय में जब गोरे अंग्रेज यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के सौदागर के रूप में आए थे तो कई कंपनियों के अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की अनेक तांत्रिक घटनाओं और विलक्षण तांत्रिकों का विवरण लिखा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्राचीन सुरक्षित दस्तावेजों में आज भी इन लोगों द्वारा लिखे गए यह पत्र दस्तावेज सुरक्षित हैं, पर तब के और अब के वातावरण में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। अब तो न वैसे साधक हैं और न ही वैसा वातावरण है, सब कुछ बदल गया है। खान पान और रहन सहन में भी बदलाव आया है। प्रकृति, पेड़ पौधे, सब कुछ बदल गया है। मन की क्रियाओं पर खान पान, रहन सहन, वातावरण सबका प्रभाव पड़ता है। तंत्र के काम में आने वाली वनस्पतियां, अन्य वस्तुएं, सब कुछ बदल गया है। इस कारण लाख प्रयास करने और विधिवत सारी क्रियाएं पूर्ण करने के उपरांत भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। इसमें तंत्र शास्त्र का भला क्या दोष है, क्यों इसे झूठा ठहराया जाए। तंत्र वास्तव में विज्ञान सम्मत सिद्धांतों पर आधारित एक प्रकार की वैज्ञानिक साधना है, जिसका सारा मूलाधार ऊर्जा है। ऊर्जा के परिमाण और संतुलन नियंत्रण के सिद्धांत पर ही प्राय सभी तांत्रिक क्रियाएं आधारित हैं। तब तक इस तथ्य को हृदयगमन न कर लिया जाए तब तक तंत्र क्रियाओं, उनकी साधनाओं और सिद्धियों पर आस्था नहीं हो सकती और न ही उसकी विश्वसनीयता प्रमाणित होगी। किसी भी विद्या को प्राप्त करने के लिए पहले उसका कह खै गह सीखा जाता है, तब वह विद्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार जब तक तंत्र मंत्र यंत्र विज्ञान और मूलाधार न समझ आए तब तक उसकी साधना करना व्यर्थ है। सत्य तो यह है कि तंत्र शास्त्र में कुछ भी गलत या अवैज्ञानिक नहीं दिया होता है। खेद का विषय तो यह है कि प्रमाणिक तंत्र शास्त्र भी आजकल प्राय लुप्त ही हो चुके हैं। वास्तविक तंत्र शास्त्रों को भी बेहद तोड़ मरोड़ कर दिया गया है। यह कहना भी गलत न होगा कि इनको विकृत कर दिया गया है। अच्छे प्रमाणिक और प्राचीन तंत्र शास्त्र भी मिलने कठिन है। तंत्र की लोकप्रियता और उसमें वर्णित चमत्कारों, अलौकिक सिद्धियों को देखकर धन कमाने का लालच प्रशंसकों में भी खूब बढ़ गया है। ऐसे ग्रंथ दिख पड़े जिसमें दिया गया छापामार, इंद्रजाल, छोटा और बड़ा, साबर मंत्र, साबरी तंत्र जैसा देखा छपा हुआ चारों तरफ बिक रहे हैं। इतना सस्ता कर दिया तंत्र को, तंत्र की लोकप्रियता का लाभ छोटे छोटे लेखक खूब उठा रहे हैं। तंत्र का चाहे कुछ भी ज्ञान न हो पर तंत्र पर मोटी मोटी पुस्तकें वो लगातार लिख रहे हैं। कम से कम भारत में ऐसे कोई गांव या शहर न होगा कि जहां कोई ओझा, गुनिया या तांत्रिक न हो। आश्चर्य की बात है कि अनपढ़ गवार किस्म के लोग ही गांव देहात में इस कार्य को करते मिलेंगे। इस कारण जब साबर मंत्र इन तक आए तो इन लोगों ने उसका रूप और विकृत कर दिया। जब पढ़ा लिखा वर्ग यह मंत्र सुनता है, हराम की जाए, तू किधर से आया, इसे क्यों काट खाया, जा जा जा, हराम का जाए, तेरा बाप का क्या खाया, तेरी माँ बहन जिन करे, कसम गोरखनाथ की। आप ही विचार करें, यह भी कोई मंत्र है? इस तरह के मंत्र जाप मखोल नहीं तो और क्या है। आश्रय यह है कि इस प्रकार के तंत्र शास्त्र विकृत होता गया। अब अगर समाज का एक वर्ग इसे घृणा, नफरत,
अशुद्ध ढींग अविश्वास की भावना से देखता है तो इसमें किसी का क्या अपराध है? ऐसा तो होगा ही। इसी कारण आज तंत्र उपेक्षित सा है। साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए पहली बात तो यह है कि हमें तंत्र का वास्तविक रूप समझना चाहिए, फिर उचित विधि विधान के द्वारा उसकी साधना करनी चाहिए। प्रत्येक युग में एक से एक तांत्रिक हुए हैं और सभी लोग अब इस बात को मानते हैं कि हाँ, तंत्र एक विज्ञान है, एक अलौकिक शक्ति है। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड जैसे विकसित देशों के वैज्ञानिक इसे स्वीकार करते हैं। पाश्चात्य देशों में तंत्र काले जादू के नाम से प्रसिद्ध भी है। ऐसी दशा में तंत्र विद्या का वास्तविक रूप और उसका सत्ता या शक्ति को नकारा तो नहीं जा सकता। संसार के सभी धर्म, सभी जाति के लोगों में तंत्र किसी न किसी रूप में विद्यमान है। कोई भी संप्रदाय अछूता नहीं बचा है और कई स्थान तो केवल तंत्र विद्या के पीठ ही रहे हैं। आसाम का काम रूप कामाख्या आज भी प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है। पहले भारत के अन्य भागों से लोग यहाँ आने से डरते थे। आसाम गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य मच्छिंद्रनाथ की कर्म भूमि रहा है, इसी कारण भी यह क्षेत्र आतंक का कारण है। फिर भगवती की योनि गिरने के कारण प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर सबसे बड़ा तंत्रपीठ और तांत्रिकों का तीर्थ है। तंत्र साधना कैसे की जाए, इस संबंध में कोई विशेष ग्रंथ या स्पष्ट दिशा निर्देश कहीं भी नहीं मिलता है। केवल अनेक प्रकार की तांत्रिक साधनाओं का अध्ययन मनन करने के उपरांत ही इस प्रकार की व्यवहारिक रूपरेखा बनती है। वहीं वहां पर वर्णित है, सबसे पहले प्रश्न यह है कि तंत्र साधना करने वाले की पात्रता क्या है, उसमें क्या योग्यता होना आवश्यक है। अब तक के निष्कर्षों के अनुसार वह वयस्क होना चाहिए, पढ़ा लिखा सात्विक विचारों वाला होना चाहिए, निडर, श्रद्धावान और अच्छे स्वास्थ्य का धनी। विवाहित अविवाहित का प्रश्न ही नहीं उठता, वो कुछ भी हो सकता है, वह ग्रस्त भी हो सकता है। तांत्रिक परिधान धारण करना आवश्यक नहीं है। साधना काल में तांत्रिक परिधान पहनना आवश्यक है। गृहस्थ भी तांत्रिक साधना सफलतापूर्वक संपन्न कर सकता है, बशर्त कि उसकी क्रिया विधि विधान शुद्ध रूप से की गई हो। तंत्र विद्या में मुख्यतः दो रूप हैं, एक सात्विक और दूसरा तामसिक। सात्विक रूप में देवी देवताओं की उपासना और लोगों को कष्ट निवारण, समाज कल्याण के लिए किए गए तांत्रिक अनुष्ठान हैं। तामसिक तंत्र में शमशान साधना, अघोरी रूप, कारण आदि भयंकर अभिचारक क्रियाएं हैं। तंत्र इसी दो प्रकार के रूप में विभाजित है। इन दो रूपों को आप जो नाम दें, दोनों रूपों में तांत्रिक सदा होते आए हैं। अब यह साधक पर निर्भर है कि वह किस प्रकार की, कौन सी, किस रूप की साधना करना चाहता है। वैसे मैं सात्विक साधना के पक्ष में हूँ, तामसिक साधना के पक्ष में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिर भी यह तंत्र साधना का एक अभिन्न अंग है। यह अघोर साधना है, इसको करने वाला अघोरी कहलाता है। इसमें अत्यंत अमानवीय कृत्य करने पड़ते हैं। बाबा कीनाराम बिहार के दूल्हा बाबा इसके प्रमाण थे। इस प्रकार की साधनाएं अत्यंत तामसिक होती हैं, उनमें जरा सी असावधानी अथवा भूल या तो पागल कर देगी अथवा करुण मृत्यु का कारण बनती है। साथ ही इसमें बड़ा ही घिनौना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। बिहार के दूल्हा बाबा जिस किसी के घर में प्रवेश करते थे, विष्टा की गंध उसके नथनों में भर जाती थी और जो बिना घबराए इस गंध को सह लेता था, उसका घर धन धान्य से भर जाता था। भिखारी रहने पर भी कुछ ही समय में लखपति हो जाता था। दूल्हा बाबा बहुत घिनौना रहा करते थे। इस जटिल, भयानक, अघोर पंथ साधना से मेरा परिचय है।
कई प्रकार के कटु अनुभव भी हैं, फिर भी इसको वर्जित मानकर मैं केवल सात्विक तंत्र का साधक हूँ। मेरा मिशन ही है तंत्र सबके लिए। इसे गोपनीय या बपोती मानकर अपने तक सीमित नहीं रखना चाहता। सर्वसाधारण भी इसका भरपूर लाभ उठाए। जिस प्रकार व्यायाम, योगासन आदि से मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहता है, अच्छे विचार, अच्छे कार्य करने से शांति, सुख जीवन व्यतीत होता है, अपने परिश्रम के बल पर संपन्न बनता है, उसी प्रकार तंत्र साधना भी एक साधन मध्य विद्या है और अधिक से अधिक लोगों की इस रहस्यमय शक्ति का, अंतर्मन के चमत्कारों का लाभ उठाकर सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करना चाहिए। तंत्र साधना में ध्यान पहली आवश्यकता है। जब तक ध्यान की शक्ति न होगी तब तक आप किसी भी प्रकार की साधना नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार लेंस पर सूर्य की शक्ति जब एक बिंदु के रूप में एकाकार हो जाती है तो उसके द्वारा बीड़ी, सिगरेट, कपड़ा, कागज आदि पदार्थों में अग्नि उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार मन की एकाग्रता अर्थात ध्यान में कारण शरीर की संपूर्ण ऊर्जा एक बिंदु में सिमट जाती है और यह जब लक्ष्य पर गिरती है तो लक्ष्य पूरा हो जाता है। आप कोई भी साधना करते हैं पहले ध्यान लगाना सीखें। छोटी छोटी बातों पर ध्यान लगाएं। ध्यान लगाने का कार्य पद्मासन में करें। सबसे पहले आप बिंदु सामने रख कर ध्यान करें, अपने सारे विचार उस पर ले आएं। कुछ समय के अभ्यास के बाद आपका ध्यान लग जाएगा, पर कुछ देर बाद आपका मन भटकने लगेगा। आपके मस्तिष्क में दुनिया भर की न जाने क्या क्या बातें आने लगेंगी। बस यही तो गड़बड़ है। इसी पर आपको कसकर नियंत्रण करना है। यहीं पर अपने आप को काबू में रखना है, अपने को रोकना है। मन के चंचल विचारों का केंद्रीकरण केवल एकमात्र एक ही विचार को केंद्रित किया रखना है। अन्य किसी भी विचार को मन में न आने दें। ध्यान की क्रिया है, जितनी देर तक आप इस पर एकाग्र होकर ध्यान लगा सकेंगे उतनी ही अधिक ऊर्जा आपके शरीर से निकलेगी और उसका प्रभाव पड़ेगा। यह देखें कि कितनी देर तक आप ध्यान लगा सकते हैं। 2-4 मिनट की बात न करें, इतनी देर से साधारण मनुष्य भी ध्यान लगा सकता है। फिर आप तो मंत्र के अनन्य साधक हैं। प्रारंभ में आप केवल 1 मिनट ध्यान लगाएं, 1 मिनट के बाद उठ जाएं, फिर अगले दिन 2 मिनट का ध्यान करें। इस प्रकार 1-1 मिनट प्रतिदिन बढ़ाते जाएं, जब तक आप 30 मिनट कर सकेंगे तो आपको विचित्र अनुभूतियां होने लगेंगी। आप अपने आप में परिवर्तन पाएंगे। आप अनुभव करेंगे कि आपके शरीर में एक अजीब सी स्फूर्ति, शक्ति और हल्कापन आ गया है। आप चुस्त, दुरुस्त और हर पल उत्साह से भरे रहेंगे। जब आपको ऐसा अनुभव होने लगे तब समझ लें आप साधना में सिद्धि के मार्ग पर आ चुके हैं। इसी ऊर्जा को तंत्र के क्षेत्र में विशेष स्थान प्राप्त है और प्रत्येक साधना की सिद्धि का मूलाधार है। तंत्र साधना का पहला और सबसे बड़ा मूल मंत्र ध्यान है। किसी भी वस्तु या विषय पर जब तक आप ध्यान केंद्रित न करेंगे, पूरी एकाग्रता के साथ एक बिंदु पर अपने को केंद्रित न कर पाएंगे, तब तक आप किसी भी प्रकार की तंत्र साधना नहीं कर सकते हैं। तंत्र साधना कोई भी वयस्क साधक कर सकता है। वयस्क होने के उपरांत आयु की उस सीमा तक जा सकता है जहां तक उसके हाथ पैर काम करते हैं। आप अपनी तंत्र मंत्र यंत्र संबंधित साधनाओं को गोपनीय ही रखें। तंत्र साधना या क्रियाओं के प्रदर्शन या चर्चा का विषय न बनाएं। मौन भाव से एकांत में जो शुद्ध हो तथा वायु और प्रकाश भली प्रकार आता हो वहां गुरु से प्राप्त साधना करें। ध्यान योग का अभ्यास सदा पूर्व की ओर मुंह करके करना चाहिए। कहा जाता है कि प्रातःकाल का समय उपयुक्त होता है। तंत्र मंत्र यंत्र साधना शुरू करने से पहले
किसी को गुरु बना लेना अति आवश्यक है। केवल पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर ऐसा करना उचित नहीं है। यह एक अत्यंत जटिल मानसिक प्रक्रिया है। जाने अनजाने हल्की सी भी त्रुटि भीषण परिणाम प्रस्तुत कर सकती है। किसी कर्मठ विज्ञान तांत्रिक के मार्गदर्शन पर कार्य करना उचित होगा। तंत्र द्वारा नाना प्रकार की साधनाएं कर अनेक प्रकार की अलौकिक शक्तियां प्राप्त की जा सकती हैं। सिद्धि को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली कोई भी साधना जटिल दुखद होती है। मानव कल्याण के लिए साधनाएं करना उचित होता है और यही तंत्र विज्ञान का सदुपयोग भी है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि जो करते थे वही होता था। श्राप या वरदान अवश्य ही फलीभूत होता था। उन्हें वाक सिद्धि थी। इस वाणी साधना के लिए सर्वप्रथम आप कम से कम बोलें, संक्षेप में और सत्य बोलने का प्रयास करें, मौन अधिक से अधिक रहें। इस प्रकार वाणी क्षय न होगी। गंभीर रहें और संकल्प करते रहें कि जो कुछ भी आप कहेंगे वही होगा। उसका प्रारंभ आपको संकल्प शक्ति के साथ करना होगा। प्रत्येक दिन एक संकल्प प्रातःकाल करें और उसके पूर्ण होने की प्रतीक्षा करें। यह संकल्प गोपनीय रखें, किसी को न बताएं। जब तक किया गया और कोई संकल्प आप पूरा न कर लें तब तक इसे बदले नहीं। एक न एक दिन वह पूरा ही होगा, तब दूसरा संकल्प करें। कुछ समय बाद आप अनुभव करेंगे कि आपके संकल्प बड़ी सरलता से पूरे हो रहे हैं। इनमें समय की अवधि कम से कम लग रही है। अभ्यास करते करते यह साधना सरल हो जाएगी। स्मरण रखें, संकल्प इस प्रकार के और मानवीय सीमा के भीतर करें, अर्थात जो मानव द्वारा सहज संभव हो। संकल्प साधना के द्वारा आप अनेक का कल्याण कर सकते हैं, लोगों के कष्ट का निवारण कर उनकी चिंताएं मिटा सकते हैं। यह छोटी छोटी बातें जिनकी हम प्राय जाने या अनजाने में उपेक्षा या अवहेलना कर देते हैं, तंत्र मंत्र साधना में अपना महत्व स्थान रखती हैं। यह सूत्र सदैव स्मरण रखें, पवित्रता शुद्धता सावधानी पूर्वक और योग्य गुरु के निर्देशानुसार संपन्न की गई साधनाएं सफल होती हैं। तंत्र साधना कैसे करें? उत्तर यही है जो आपको बताया है।